प्रथम राम का नाम लो, पीछे लो मुख ग्रास, ग्रास ग्रास में राम कही, देखूं प्रभु को पास। दो माला जपना सदा, षोड़श मंत्र महान, सब संतन का मत यही, करम प्रेम रस पान। तुलसी ममता राम सूत समता सब संसार, राग निरोषन दोष दुख दास भये भव पार। तन कर मन कर वचन कर, दे तन काहु दुख, तुलसी पातक झड़त है देखत उनका मुख। सब जग ईश्वर रूप है तो भलो बुरो नहीं को, जैसी जिसकी भावना तो तैसो ही भलो, जैसी जिसकी भावना तो तैसो ही भलो। भगवान कृपा करके मानव शरीर और मानव शरीर में तीन काम जानना, मानना और करना। करने की शक्ति है शरीर में, योग्यता कुछ करने लायक, तो उन्हें द्वारा सेवा और जानने की शक्ति दी है तो जान लो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज सुनाता, जानना संसार का ही होता है, अपने आप को कहीं राम जी महाराज, तो जानना संसार का ज्ञान होता है। और संसार का ज्ञान क्या है? नित्य परिवर्तन हो रहा है संसार। जानना अपने लिए नहीं, अपने लिए जानना स्वयं को, वो स्वयं को स्वयं है ही वो, तो वो तो है ही। संसार का ज्ञान होता है अपने आप को, सत्य है ही स्वयं आत्मा अनात्मा, वो स्वयं ही अपने आप के द्वारा जानता। तो स्वयं को क्या जानना, स्वयं तो है जैसे जैसे है, ठसा ठस बराबर। तो जो परिवर्तन का जो ज्ञान है संसार का, कोई भी चीज ध्यान देखेंगे तो परिवर्तन, सतत परिवर्तन। कहीं देख लो छोटा सा पेड़, देखते 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 परिवर्तन आ रहा है, पत्तियां आ रही है, फूल आ रहा, फल आ रहा है, फिर पत्तियां निकल रही है, बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, और धीरे 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 सूख रहा है। खेती हो रही, खेती में एकदम नया बढ़ रहा है, और धीरे 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 पक रहा है, फूक रहा है, नष्ट हो रहा है। ऐसे अपने देखते देखते शरीर है, शरीर में परिवर्तन हो, शरीर में परिवर्तन, अपना ज्ञान है। देखते देखते शरीर अड़े ही थे, ज्ञान संसार का, ज्ञान संसार। और जब ज्ञान संसार का होता है तो संसार की वास्तविकता क्या है, कि संसार की वास्तविकता तो केवल संयोगात वियोग ही, वियोग हो रहा है, वियोग हो रहा है, मतलब पूरा टोटल संसार का है तो वियोग ही दिख रहा है, नित्य वियोग, नित्य वियोग, नित्य वियोग। वास्तविक संसार का ज्ञान और नित्य वियोग। अब वियोग में जो संयोग की आशा करना है, इतना भयंकर भूल है तो पियो, और उसमें सहयोग की आशा कर, सहयोग की भावना कर, इतनी बड़ी गलत। अब आज कीर्तन प्रारंभ हुआ तो एक दिन पूर्ण होती है, कब होगी पूर्ण कर, ये परिवर्तन अभी से चल रहा है। आज हमें सवेरे प्रारंभ हुए तो आज हाथ 8 घंटा हो गया, तो उनमें पूरे में सवेरे मोने 8 घंटा निकल गए, इन्हें निकल गए कम हो रहा। ऐसे जीव रहे हाँ, शरीर बोली उड़ो, जिन दिन पैदा हुई मार तो आज नहीं, थोड़ी परिवर्तन हो। ये ज्ञान किसका है? ये पोथी का नहीं है,
स्वयं का अनुभव होगा, परिवर्तन हो रहा है। तो पूरे संसार में परिवर्तन कल का मिला क्या है, क्या एकदम वास्तविकता। एक बात ने भी कुछ समय सुना होता, ठीक ढंग से एक ही बात करो, पूरी करो। और जो आदत है नहीं, कोई थोड़ा सा काम करेंगे बोलो नहीं करें छोड़ दिए, आधो काम करने तो जीवन में जो एक आदत पड़ी हुई है, कोई काम चाहे ये थोड़ी अब तो लगे हुए होता होता हो जाए। अब लो तो होता होता क्या हो जाए, ये तो प्रत्यक्ष बात है, वियोग हो रहा है कि नहीं, और ये प्रत्यक्ष बात है कि नहीं कि जो करने की शक्ति भगवान दी है, शरीर है, बुद्धि है, योग्यता है, बल है, सामर्थ्य है, करने की शक्ति है, विवेक है, बुद्धि है, ये केवल सेवा में है। और मिली कहां से, संसार से भी, तो संसार की सेवा में लगा दो। और जानना है एकदम निष्पक्ष जानना है कि शरीर और संसार का वियोग हो रहा है। अब इतना वियोग हो रहा है फिर भी वहां शांति करके बैठे हैं, कोई भी सुख दिखता है वो वियोग तो हो रहा है। कोई भी अच्छे से अच्छा काम, अब कीर्तन से बढ़कर क्या है, इसे बढ़कर कुछ नहीं, उनके जो अवधि है उनके अनुसार टाइम तो पूर्व आयु, ऐसे संसार का कोई भी सुख है वो वियोग में जा रहा है। संयोग वियोग में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, इसमें भ्रांति नहीं है, इसमें कोई कहने से मानने की बात नहीं, साफ साफ इसमें हमारे संतोष करके बैठे हैं, ये संतोष है ना। और एक और भूल है कि परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन अभी थोड़ा हो रहा है भाई, मरेंगे जब मरेंगे, अभी तो 40 वर्ष 50 वर्ष है, 60-70-80 उन टाइम जाओ, उन टाइम देखी लाग भाई, परिवर्तन अभी हो रहा है ना। जैसे एक आटो आदमी आटो जोधपुर रवाना हुई हो तो 10 किलोमीटर गए हो तो 10 किलोमीटर जोधपुर नहीं रहे हो। तो ऐसे अपने जीवन में 40 वर्ष निकल गया, 50 वर्ष निकल गया, हमें किता गया, अरे तो दिन रात जो चलना तो बंद थोड़ी हो। तो महाराज जी जैसे कहते हैं कि मनुष्य शरीर में जो काम करना है वो जल्दी कर लो, तो क्या जल्दी कर, तो मनुष्य जन्म में ये काम है तीन काम, तो तीन काम भगवान अपन बताए है, एक तो कर्ण, तो कर्ण जो शक्ति है वो सेवा संसार सेवा, जो कर रहे हैं करने को जो फल चाहते हैं, क्यों गीता जी के फल शक्तो नहीं बदे थे, वो फल के साथ में ही बंदियों है जी, बंदियों विषय सनी ते ताते कही है जीव, और जीव कब तक है, विषयों का स्नेह बंधा हुआ नहीं जब तक ही जीव है। विषय अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं अपने लिए लगते हैं, और ये भगवान दिया दूसरों के लिए भाई, इंद्रियां भगवान नहीं देते कि जो अच्छा लगता है, जैसे कोई रसगुल्ला मुंडा अच्छा लगता है वो दूसरों को देने के लिए, मैं खा जाऊं, आदर मान अच्छा लगता है तो दूसरों को दो, आनंद है क्यों, भगवान जो संसार पूर्व बनाए हुए वो इनमें बनाने में कहीं है, दूसरों के लिए है, पूरी संसार की बनावट भी ऐसी करी भगवान के दूसरों की सेवा के, एक दूसरे देने वास्ते पड़ेगा, तो देने रो तो करने रो काम पूरे हो गए, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड संसार में अपनी तिल जितनी भी चीज नहीं है अपने संसार की, तेरा तो उसको अर्पण, ये करना पूरा हो गया। अब जानना हो गया कि ये संसार तो पूरा एक क्षण भी टिकता नहीं, इनमें जो अपने विश्वास करते हैं भरोसा करते हैं, और आज विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ता है, तुलसीदास महाराज कह रहे हे राम जी महाराज, और आश्रो विश्वास भरोसो यही जड़ता है, जड़ता है भगवान, परिवर्तन के साथ में जो सुख भीतर आशा ले रहे हैं, जो चस्को ले रही है, चस्को चस्को सब चिल्ल चिल्ल चस्को ले उनमें ही रस है ऐसे ही संसार हर चीज है चस्को, टिकने वाला तो एक को नहीं रोना पड़े,
सुख ले लिया ठीक है और शुक्रिया सारे जी मिलना पड़ बड़ो भारी हो संस्कार पड़ रहा है और बहुत दुख देने वाला है संस्कार पड़ रहा भीतर और जस चाय पीते पीते जस का लेते जस अमर लो चस को लेते लेते चिलम लो चस को लेते लेते डूब गया उनमें चस को फंस गया। अब मैं सदा रहूं मैं सुखी रहूं मैं आनंद रहूं आयचा करता रहे आयचा रह जाए फिर बाद में मानव शरीर तो जाए करो फिर इच्छा रह जाए फिर उन्हें शरीर मिले अपनी बारी दुविधा इन बात शरीर और संसार द्वारा जब परिवर्तन एकदम अपन स्पष्ट ज्ञान हो रही है तो उनके साथ में चिपका होने रहे असंभव। एक बार मुली मनोहर द्वारा बीकानेर की घटना अच्छे अच्छे सत्संगी भाई आए स्वामी महाराज एकांत में मिलने वास्ते स्वामी महाराज लारे वहां झोंपड़ी पहले झोंपड़ी फेर ली नीचे विराज हो गया तो पर्दो कर लारे सर्दीरो टाइम तो अच्छा अच्छा साधक आन गए मैं 40-50 वर्षों से सत्संग कर और अभी तक बात सब 40-50 सत्संग कर बात समझ नहीं आ रही कई है वास्तव में तो स्वामी महाराज एक बात बताई ध्यान देने वाली बात है चाहे सत्संग करते करते पूरे जीवन बीत गए बात समझ में नहीं आई नहीं तो वियोग हो रहा तो राग थोड़ी होगा डालेगा के सत्संग शनिवार कि जैसे घर में कोई मेहमान आवे तो ओ पत्तो ये है कि तो जाने वाला है 2-3 दिन है भोजन में घर में तक तीर अच्छे मेहमान है ऐसे ही पूरे संसार मेहमान है फिर बाद में एक बात बताई समझ कि अपन पत्तो है रोज सूरज भगवान उगे सुबह और पत्तो ऐसे हम रास्ता जाए तो सूर्य उगे रात ही पूरा दिन उग जाए और रात रात अंधेर हो जाए तो रोन बैठे अरे सूर्यास्त तो गेरे रोन मन में चचुड़ी बात बैठोड़ी भाई वो उगे है ऐसे भीतर में एकदम पक्की चिचड़ी को भाई संसार है थोड़ा दिन मिलियो सही मेला है अब आप तो हाथ दिन आप मेलो है हाथ भी दिन दूसरी जगह जाओ 8 बजे तो एडम जचूड़ी बात है अब जचूड़ी बात है दुख के लिए और आई बात पकी जचूड़ी जब तक सहयोग है वियोग में हो जाए उगे सूर्यात में जन्मे सो मर गए चिड़िया देवल बैठ डे पड़े फूले सो कमला और जो जीतो संतानी एक एक वाणिया में कोई उपदेश है कि भाई वो संसार तो वियोग तो वियोग में रोनो कौन कोई मरना हो जाए घर में तो रोने बैठ गए इन्हों मतलब कहीं और कई माया रोती रोती यूं भी कह ऐडी नहीं जानी रे थे जाओ तो समझाने के तब तो जान लोग अब तो ये दी के जगह ये क्यों नहीं रहने वाले वो रोड बाज वो शॉर्ट लोग शॉर्ट बंद हुए कह रहे हैं हमारी हो तो ना मुझे पूर्ण उन रोज उन जीवन रोज तो करने को स्वार्थ क्यों है ममता से स्वार्थ ममता से और उनके सुख की इच्छा है ना जब तक ममता हुई क्या है कि ममता उन्हें साचो माने साचा नहीं मानता तो ममता कहीं झूठे साथ में सब समझ रहे
जब उन्हें झूठो समझ लिया तो ममता होगी कैसे? हाँ तो गड़बड़ी गड़बड़ी तो मोह में होगी। मारो स्वार्थ, मारो स्वार्थ है तो मैं इन्हें साचो मान्यो जन अपनो यो ऐसा से के बात दर्पण से ऐसे मान दे दिन को हाई स्कूल पे बस वो एक ही है तू जो कहे तो एक में नहीं जाने आवे जाओ ओयो ओयो कोई घर में जन्म गया तो ठीक है सब विधि विधान अनुसार सब काम कर लियो और मर जाओ तो विधि विधान में पूरा कर ले रोना की बात तो फिर मैं जाने ऊपर लो गया मोल हो रियो कोई मोल वैसे के होई ने वाला लोग कहीं हाई कौन दिन की कौन कहीं और एरी है बातें इन भारत पर से इन्हें एक महिमा ही एक अलग बात कण कण में संस्कार है बूढ़ी बूढ़ी माए कहते के कहीं कहते को तो संसार ना आसमान है और बड़ वन बट माता जी कहते ना आसमान है पर जुड़ी कौन है ऊपर लोग यहाँ थी ना आसमान और इन संसार भाई लेने या देने आए समझ लेने आते हैं तो लेने देने अपना अपना पूरा करके भाई और वही संसार है और भाई और पता है तीसरी बात कहीं क्या राम जी करे जावे जब थे बीच में टांग क्या लो भगवान करे जावे ना रोक क्यों बैठ भगवान करे जो होगी अब रोना क्यों तो भगवान ने करने में विरोध है जब रोना है और क्यों हो दुख कहीं है संसार में तो मन रहने जा रही कोई नहीं रो अमन सही नहीं है जब मन चाहिए मन चाहिए तो काम ना और मन चाहिए क्यों इन बात नहीं समझी जन है नहीं मन चाहिए नहीं हुई जरूर तो मन चाहिए वो तो इन संसार होने वाली है कोई तो इन संसार संबंध छोड़ियो जन है आज दुख है ठीक एक समझा बात बता दो एक दो गरीब उम्र ज्यादा है सात बेटा जन्मी है और सात बेटा रही आप रहे तुम्हारे तो पानी दे दियो और हाथों यहाँ गया अपरा के भाई मारे जन्मिया ने मैं मारे अंगर पानी दे दियो आज गल इतना दे दी गंगा जी गाल दियो बैठे माला हाथ जन्मिया हाथी देखता हूँ माँ भी माँ डोगी बैठी है हाथ जन्मिया मारे जन्मिया मैं मार पानी दे दियो आज ठाम का तो वास्तव में संसार में वियोग है तो वियोग रूप ज्ञान स्वयं नहीं है इन्हें साथ में चिपकाव नहीं है देखो सेवा करने में कहीं बाधा नहीं है इन्हें अपनों मानने में सेवा आप दिन रात करो सेवा में कोई बंधन नहीं है अपनों मानने वाले उठे चिपका सेवा करो और संसार में आप करो कहीं सेवा नहीं कर सकते करोगे क्या डॉक्टर बीमार है दवाई दिला सको और दवाई देते देते मर भाई सेवा तो आप कर सको सेवा तो कर दो खूब दिन रात करो कर कुछ नहीं सको सेवा कर दी बता दिया आटी बता दिया उन डॉक्टर बता दिया अहमदाबाद ले गए सब ले गए अब कोई कार्य नहीं डॉक्टर के लिए घर जाओ तुलसी तो नंबर दे दो तुलसी तो नंबर दे दो शरीर जाओ जरा राम होना दो लाल कीर्तन कर दो बारियो कर दो देखो विधि विधान है पदम पुराण अनुसार वो सब कर लो तो विधि विधान कर वो दशरथ महाराज ने सब परिपूर्ण काम हो गए लारे जारे जो क्रिया करके सब भाई परिपूर्ण आगे बढ़ गया चाहिए तो जान ले वे जन तो बंदे नहीं आते धोखो कहीं है वो जान लो जो को एक बुद्धिगत ज्ञान है दूसरा ने उपदेश बोल और बुद्धि रे बलसू एकदम शास्त्रों नो ज्ञान तगड़ो हो सके बोलती बंद कर और भीतर में देखो संयोग का सहन में जीव बनी तो बंधन भीतर है एक बात जीव और बंधन भीतर है बात तो उन संबंध ने वास्तविकता समझ में आ गया एकदम क्यों मानव शरीर भगवान कल्याण करने वाले थे तो कल्याण की सामग्री अपने को ठीक नहीं भगवान जैसे कोई बड़ा अफसर है बड़ो काम देखना हो तो उन्हें सरकार की तरफ मूर्ति मिले एक नौकर मिले और बड़ा बड़ा अफसर है तो उन्हें चौकीदार
बॉडीगार्ड को रक्षा करने वाले मिले बड़ा ऐसे ही मानव बढ़कर केड़ो बड़ो मानव शरीर में 84 लाख जन्म में सर्वश्रेष्ठ इन्हें 3 शक्ति देकर भगवान भेजो करना जानना मान और मान न गए ना भगवान ने अपना मन मान लिया। राम जी अलावा कोई है नहीं, कोई है नहीं, था नहीं। भगवान रो इच्छा रो और आश्रय छोड़कर लीन कौन करना रे भगवान रो आश्रय न मान लीजिए। मानव जी सब बोलो अब हमारे हरिदास जी महाराज भगत चरित्र सुनाए।